ओके देन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी है टाइम हाइकिंग का, सो डे 4 जो कि हम अभी हाइकिंग आए हैं। आज हम स्टे करके बैठे थे यहाँ पे, देन अब अभी हम ऊपर जा थोड़ा ट्रैक कर रहे हैं, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा ऊपर विलेज में, ऊपर कैसा है। देन हमारे साथ जो क्लाइंट है हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो लंच मेरा ड्राईबैग में है, तो अभी बज रहे हैं 11:30, मे बी 11:30-12। देन कुछ ऐसा रास्ता है, इट्स टू डिफिकल्ट वे, सॉरी जो कि बोलते हैं, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, थोड़ा अच्छा वाला। आगे गाँव थोड़ा ज़्यादा डेवलप नहीं है ये, मे बी मुझे भी नहीं पता इस जगह का नाम क्या है। देन चलते हैं आगे थोड़े विलेज में, यहाँ का थोड़ा देखते हैं। सो चलो, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, पर बिना गाड़ी के शोर के थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, पर ये भी अलग तरीके का मज़ा है। सो नेचर के साथ हम हैं, यानी यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग क्या बोलते हैं, अपना वे बना रहे हैं, कि जो कि ये नीचे से इन्होंने फिल करते जा रहे थे, ऊपर से पूरा इन्होंने सीमेंट के साथ ऊपर वो वहाँ वे बन रहा है। ये यहाँ से सारे पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स उठा के देन वहाँ तक ले जा रहे हैं। देन वेरी हार्ड, मे बी रास्ता वहाँ तक जा रहा है, जितने आगे तक ये बना सकते हैं उतना बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मशीन तो आ नहीं सकती, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बहुत बहुत मतलब सोच से भी अंदर है। नेपाल के करनाली, जो कि मुझे भी नहीं पता कौन से है, पर मैं नेट में सर्च देखूँगा करनाली कौन सी साइड पड़ता है। सो पश्चिम वाली साइड पड़ता है करनाली, जो कि नेपाल के बहुत पश्चिम साइड में है, जो कि बहुत अंदर, जो कि अभी बहुत डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। मे भी यहाँ पे लोग भी बहुत कम हैं, जितना बड़ा जंगल है उतने लोग कम। देन वही है, चलते हैं, आप देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये आगे बंदा, ले जाते हैं इनको हम आगे, तो मिलते हैं आगे। नाउ द टीम इज, सो अभी तो हम भूखे हैं, मैं भूखा हूँ, क्योंकि मैंने दाल चावल खाया नहीं, बना के रखा था। सो कुछ सैंडविच से जो मैंने पैक किए थे, तन वही खा रहा हूँ। इट्स टेस्टी, पर दाल चावल का दाल भात पावर 24 आवर जो कि है, भूल रही कसम से, और चला भी नहीं जा रहा, पता नहीं ये कहाँ तक लेके जाएगा हमें, कोई आइडिया नहीं है। चलने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, अभी एक अंडा भी है, उसको मैं थोड़ा बाद में खाऊंगा जब पेट्रोल थोड़ा और ख़त्म हो जाएगा। बस खाते खाते मज़ा ले रहे हैं जगह का। हाँ चलो, मुंह में क्या गया, बोल।
सो फाइनली हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं टॉप में, जहाँ हम आना चाहते थे हमें लेके आगे ऊपर तक, पर कुछ फ़ायदा भी हुआ, थोड़ा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओह नाइस, सो ब्रेक टाइम, बहुत ब्रेक लिया जा रहा है अभी बैक टू बैक, देन थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे हम, बात तो क्या करेंगे, देन सच अ नाइस प्लेस। मुझे कभी यकीन नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी अच्छी जगह आ पाऊँगा, कि जहाँ पे बहुत इतने कम लोग होंगे वहाँ पे मैं आ पाऊँगा। सो फाइनली मैं आ गया, देन एक तरफ से एक्सप्लोर हो गया इस जगह का, करनाली, जो कि एकदम बीच में, पता लग जाएगा कि कैसा है, पर यहाँ के लोगों को फिर भी देख के लगता है कि यहाँ से, क्योंकि मार्केट बहुत दूर है, मतलब कि मेरी सोच से भी ज़्यादा दूर है, जो कि यहाँ पे खाना जो आता होगा वो गाड़ी से आता होगा, खाना मीन्स मेन जो तेल वगैरह हो गया, तेल नमक वगैरह हो गया, सॉल्ट वगैरह, सॉल्ट शुगर, बाकी खाना तो ये खुद भी यहाँ पे अपना ही बना सकते हैं, जो कि चावल हो गया, आटा, देन जो कि बोलते हैं मकई, जो कि उसको हम नेपाली में बोलते हैं मकई, उसका हम ढेड़ो बना के खाते हैं, जो कि हलवा जैसा होता है। सो सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ के लोग, क्योंकि विलेज के लोग हैं, उनको अगर खाना नहीं भी मिलेगा, अगर शहर से बंद भी हो जाएगा, देन वो खुद भी सर्वाइव कर सकते हैं, वही है मेन मुश्किल है शहर वाले के लोगों को, पर सच में मज़ा आ रहा है इस जगह पर, थोड़ा वॉकिंग, बेशक हम थोड़ा लॉन्ग आ गए पर मज़ा आ रहा है, नाइस। अभी नीचे दाई लोग हैं, देन हम पता नहीं, अभी हम 2 घंटे हो गए ऊपर चढ़ते आते, फाइनली हम ऊपर आए हैं, अब यहाँ से और कितने ऊपर जाएंगे डोंट नो, देन वही है। सो कल राफ्टिंग, फिफ्थ डे, सो कल फिफ्थ डे है, देन कल एक लास्ट से लास्ट रैपिड होगा, देन उसके बाद भी रैपिड जाएंगे, जो मेन होगा तो कल ही आएगा, जिसको कहते हैं हम मे बी गॉड हाउस, हाँ गॉड हाउस, सो उस रैपिड का नाम है, तो मज़ा आएगा, देन कल मिलते हैं, देन उसके बाद हम अभी थोड़ा कुछ शॉर्ट्स लूँगा मैं आके, देन थोड़ा नीचे जाके, देन वहाँ पे ऑफ करूँगा, देन उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट डे, फिफ्थ, सो डोंट नो, जैसे कि मैंने कहा था मैं कब तक बना पाऊँगा, GoPro का चार्ज ख़त्म हो रहा है, देन उसी की वजह से आई ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं वीडियोस बनाते जाऊं, एंड देन बैटरी भी थोड़ा कम लो, पर देखते हैं पावर बैंक किसी का, क्योंकि 10 दिन, ये 10 दिन काटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मैंने day 4 तक चलाया है, देन मोबाइल मेरा ऑफ है, तो मोबाइल भी देखते हैं, देन ओके आगे देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है, मैंने सोचा कुछ बातें कर लें, सो नाइस ओके। तो बहुत आखिरकार हम नीचे जा रहे हैं अपने वापस कैंप में, सो ऊपर हम घूम लिए, जितना हमने घूमना था इससे ज़्यादा नहीं घूमेंगे, बन पैर थक गए हैं, कल के लिए थोड़ा रिकवरी भी चाहिए, आज रास्ता सोचा था मैं हम ऊपर ट्रैकिंग आएंगे, पर कोई नहीं आ गए, अब क्या कह सकते हैं, अब किसी को हम मार तो सकते नहीं है ना, तो वही है। सो वापस कैंप है, वो ये पहाड़ है, देन उसके थोड़ा नीचे वो टर्निंग, यहाँ से टर्निंग है, देन पहले हमें यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा डाउन हिल, देन वहाँ से हम नीचे पहुँचेंगे रिवर वाली साइड जहाँ से हम आए थे, लग जाएगा अभी हमें नॉर्मली 1 आवर लग जाएगा नीचे जाते तक, देन मिलते हैं ओके। सो फाइनली हम कैंप साइड पहुँच गए हैं, देन हमारा कैंप वहाँ नीचे है, देन हम इस पहाड़ी के उस पहाड़ से आए थे, देन नाइस प्लेस, गाय यहाँ पे घास खा रही है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है, देन मिलते हैं हम यहाँ से नीचे। हम पहुँच गए अपने कैंप के पास रिवर साइड में, तो वही है पहुँच गए, थक गए,
अब जाके थोड़ा नहाएंगे, वॉश होंगे, क्योंकि सुबह तो मुझे टाइम मिला नहीं। दाई लोगों ने मुझे भेज दिया और कुछ खाया भी नहीं था। देखूंगा कुछ खाने के लिए अगर होगा तो देन खाएंगे। देन ये है रिवर, करनाली रिवर। सो इसी के साथ हम मिलते हैं कल day 5, GoPro अगर चार्ज हुआ तो। पर जैसे कि मैंने कहा था, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी वीडियो मैं बना सकूँ। ट्राई करूँगा कि पूरे 10 दिन तक वीडियो बना सकूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी देन day 1, जो कि हम निकले थे 2nd, 3rd, 4th, 5th। देन वही है, इसके बाद कैंप के पास पहुँच गए। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके, बाय बाय।